गोल। आज रे ब्रेक के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत प्यारे बच्चों के साथ, यानी कि ये नन्हे फुटबॉलर्स, इन्होंने किया है जबरदस्त काम। कतर में फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया, यानी पाकिस्तान का नारा वहां पर लगा। कतर में होने वाले जूनियर स्ट्रीट फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कराची यूनाइटेड, ये बड़े मजे का ना, पीएसएल में होता है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, यहां की टीम का नाम है कराची यूनाइटेड, हम अक्सर यूनाइटेड वी विन, तो इन्होंने पेनल्टी पर कामयाबी हासिल किया। फैसला कुन मारका इसमें लियारी के ये फुटबॉलर्स, इन्होंने कतर के एस्पायर क्लब को शिकस्त दी थी। नन्हे पाकिस्तानी फुटबॉलर्स ने शानदार फतह के बाद दोहा कतर के फुटबॉल स्टेडियम में जश्न मनाया, जिसके मनाजर आप देख भी रहे हैं। यानी किरण, नारा क्या लगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। और तो और सिर्फ नारे नहीं लगे, यहाँ पर इन्होंने रैप भी किया, ऐसा भी हुआ यहाँ पर, और ये सब कुछ अभी यहाँ स्टूडियो में भी होगा। कि किस तरह से उन्होंने वहां पर नारा लगाया, मैं तो उठ के इसलिए पास हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके पास चला जाऊँ, करीब चला जाऊँ। तो हमें ज्वाइन किया है कोच है मोहम्मद वाजिद साहब, वेलकम टू नया दिन। साथ ही ये है कप्तान, ये छोटा सा है लेकिन ये कैप्टन है, ये कैप्टन है, ही इज द कैप्टन, और जलाल इसका नाम है। इसके साथ साथ 10 साल का ये है मोहम्मद मूसा, और इसकी भोली सूरत पे नहीं जाए, बहुत शरारती है। शरारती तभी, उसकी टांग में कुछ दर्द भी, जरूर शरारत की होगी इसने। तो माइक किधर गया? माइक मेरे पास था, मेरे पास नहीं था, किसी और के पास था। तो मूसा ये बताएं कि यार बड़ा जबरदस्त काम करके आए हो, और बड़े शरारती भी तुम हो, चुप ही रहते हो, कुछ बोलते भी हो? बोलता भी है जी, ये तो कह रहा बोलता है। एनीवेज हम वाजिद आपकी तरफ आना चाहेंगे, मुझे बताइएगा कि इस टीम ने जिस तरह से एक अहम कामयाबी समेटी है, कितना टाइम लगा आपको इनको सिखाने में? फिर ये एक चैलेंज भी होता है बच्चों को सिखाना, क्योंकि बच्चे खेल कूद की तरफ हैं, लेकिन यू नो एक प्रॉपर प्लानिंग से खेलना, फिर जाना, रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान। और जब ये लोग जीते तो आपको भी बच्चों की तरह रोना तो नहीं आया था? हमारी खुशी में बहुत खुशी हुई क्योंकि इनके साथ 6 महीने भरपूर मेहनत के साथ इनके साथ लगे हुए थे, तब जाके ये टीम बनाई। क्या मेहनत, क्या करते हैं, कितने बजे से इनको बुलाते हैं, क्या होता है? दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक इनके साथ लगे रहते हैं। स्कूल के फौरी बाद बच्चे आपके पास आ जाते हैं? हमारे पास आ जाते हैं। कितनी देर के लिए? होमवर्क का टाइम नहीं देते? 3 घंटे। अच्छा, 3 घंटे के बाद? 3 घंटे आराम नहीं होगा, होमवर्क होगा। होमवर्क पे तुमने फौरन जो है ना भावे से फोड़ लिए हैं। होमवर्क करना अच्छा लगता है ना? अच्छा। कैसे मैनेज करते हो? प्रैक्टिस करके आए फिर होमवर्क किया? खाना कब खाया? खाना नहीं खाया आज। वैसे तो किरण, बात तो हमें हम कर रहे हैं फुटबॉल की, लेकिन चूंकि हमने सुन रखा है कि रैप बड़ा अच्छा करते हैं, तो मेरा ख्याल है बढ़ते हैं रैप की तरफ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो सबने देख लिया है। तो रैप कितना अच्छा करते हैं ये मेरा ख्याल है, ये पहले 3 जो बच्चे इन्हीं से करा के देखते हैं। तो क्या रैप करेंगे आप? सबको मिला के? ये तो माइक लेकर मुझे बहुत भागना पड़ेगा, लेकिन एनीवेज स्टार्ट पहले इनसे करते हैं, तो लेट्स सी किस तरह से ये आपको इम्प्रेस करने वाले हैं रैप करके। मस्ती वाला चाले तो का मस्ती का ने इस तो मैं माइक लेके कैसे भागूंगा? वाह, माइक इधर रखिए, हाउ वाउ बढ़ जाएगा आगे। ये आप माइक पकड़ ले भाई, प्लीज कैरी ऑन। तीन चार, और मुझे झिंगा लाला भी समझ आया, मुझे आओ भी समझ आया, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये मस्ती है, बताए बताए। तो वाजिद क्या है ये जो इनका रैप था, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये हमारे कराची के फुटबॉलरों के लिए, जो ये रैप गाते हैं वो भी इंटरनेशनल फुटबॉलर था, अभी जो उसके साथ ऐसे हुए कि वो अपने एज के हिसाब से वो कट गया है, तो उसने ये रैप, हर जगह ये रैप ही लगाते हैं उसका। आज कोई ऐसी एक दो लाइंस आप हमें बता सके ना, आसानी करने के लिए, कि मोटिवेट कर रहे थे, क्या गा रहे थे बच्चे, क्या क्या उन्होंने क्या बनाया था? ये एक इलाके के पागल है उसके लिए ये रैप बनाया था। ओके। अच्छा, खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो बच्चों बस बिल्कुल रिलैक्स होके। हाँ, और आप इतना मार्जिन देते हैं। अच्छा ये बताए मुझे, इनमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? वैसे सब लग रहे हैं, सब शरारती है, सब शरारती है। इनको डांट तो नहीं पड़ती? कोई ऐसी शरारत तो नहीं करते? अल्लाह जालिम, ते प्यारे बच्चों को डांट पड़ती होगी ना किरण, तभी तो जाके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे नहीं फाइनल में पहुंच के जीत कर आए। कितने टीम्स थी वैसे इस टूर्नामेंट में, कितने मैचेस थे, और कुछ शेयर करें इस टूर्नामेंट से? 4 मैचेस थे। ओके, चौथा फाइनल था और पेनल्टी पे जीते
टफ मैच था बहुत. और मैं जानना चाहूंगा आपसे, बच्चे जिस तरह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाके दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आइंदा आने वाले सालों में आप कहाँ पर देखते हैं इस फुटबॉल गेम को विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, आप कहाँ देखते हैं? ये हम तो चाहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से कि आए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ और इन्हें अच्छे लेवल पर खिलाएं. उनको खबर हुई सब की? उनको पता चला क्यों नहीं, इतनी लाइव चल रही है. उन्होंने कॉन्टेक्ट किया नहीं अभी तक? यानी इस टूर्नामेंट के लिए भी फेडरेशन ने कोई सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट नहीं किया. आपने उनसे कहा था वैसे, कोई डिमांड की थी, कोई कांटेक्ट हुआ? कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं. तो ये जो टूर्नामेंट में आप लोग गए, ये अपने तौर पर ही गए? अपने, कराची यूनाइटेड के. तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा इस तरह खुद से मैनेज कर. खर्चा बहुत होगा. कितना खर्चा हुआ फी बच्चा, बता सकते हैं? नहीं, हमारे कराची यूनाइटेड वाले वो बता सकते. यानी सारे जो आपका जो क्लब है ये सारे खर्चे उसने उठाए, फेडरेशन से कोई भी मदद नहीं की? दिस इज़ बैड. जब इतना अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, वो रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को इस ग्रीन फ्लैग को, तो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो इमरान खान साहब से भी अपील हम करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि ये हमारे कौम का जो मुस्तकबिल हैं, जो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करें, इनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि खान साहब वाकई खेल के मामले में भी बहुत सीरियस हैं. और आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको पता है अगर आप यहाँ पे बैठ के बात करेंगे ना, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचेगी, फेडरेशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी. ये इनकी सादगी है और इनके लिए वाकई वाली बात करना मुश्किल हो रहा है. लेकिन मैं और शुएब जितनी देर से इन लोगों से बात कर रहे हैं ना, ये अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे. जो इन्होंने फेस किया है वो हमें नज़र आ रहा है. वाकई इस सिलसिले में कुछ होना चाहिए. अच्छा ये बताएं कि किसी भी लेवल पे कभी भी किसी भी मैच के दौरान तुमको लगा कि हार जाएंगे? स्पेशली लास्ट मैच में पेनल्टी में जीते लगा था, फिर क्या किया? हमने जज्बे से खेला, हमने जीत लिया. क्यूट छोटा सा है लेकिन जज्बा जवान है भाई, क्या बात है. फॉलो किसको करते हो वैसे, कौन है फेवरेट प्लेयर? पोग्बा. और मूसा का फेवरेट प्लेयर कौन है? एम्बापे. भाई क्या बात है. और कोई 10-20 मुश्किल नाम बताना चाहें आप लोग? अच्छा जो मैच आपको लगता है कि भाई सबने मेहनत की लेकिन इसने सबसे अच्छा खेला, या लास्ट में ना इसने लाके तो हमको जिताया, जो लास्ट पेनल्टी की अगर बात कर ले, वो किसने? सबने मेहनत की. नहीं, वो जो लास्ट फाइनल जीते पेनल्टी जब फैसला हुआ उस पे, वो किक किसने मारी थी? ओ कैप्टन ने मारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गोल तो मूसा ने किए हैं और मैचों में, राउंड के मैचों में, फाइनल में नहीं. ओके, लेकिन फाइनल में पेनल्टी कैप्टन ने मारी. बिल्कुल क्विकली जरा सा बताइएगा कि नाश्ता क्या करते हैं, खाना क्या खाते हैं, लोग शौक से क्या खाते हैं, बस मुझे जल्दी से ये बता दें. वक्त ना बच्चों को पता चले हमारे फुटबॉलर्स का. अच्छा पराठा तो मेरा प्यार है, जबरदस्त. जो नारा वहां लगा था, उस मैदान में लगा था, कतर में लगा था जीतने के बाद, वो नारा अगर यहाँ पर हो जाए तमाम बच्चों का तो क्या ही बात है. 1, 2, 3. उसे अपना क्लब याद है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद.